हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हो गया 23 तारीख और दिन है बुधवार। सुबह का टाइम है और फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बारिश वारिश हो रही है दिल्ली में। कल से ही बारिश हो रही है, देखिए साफ पानी। तो कल जैसे कि मैंने गए थे किटो घर पे, इतने दिन सारे फंक्शन वगैरह थे और फिर सोनाक्षी का बर्थडे था, सबने बहुत प्यार दिया वीडियो को लेकर। और बोलते हैं ना कि कहीं जाओ और कम से कम 20-15 दिन तो लगी होंगे, हो गए होंगे हम लोग को आना जाना। और बहुत सारा कपड़े वगैरह फैला था और कल कपड़े धुल कर टांग दिए थे। अभी जो मोटा मोटा कपड़ा था ये सब सूखा नहीं है, अंदर की तरफ फैला दिए हैं। और कपड़े जो हैं मैंने फोल्ड करके यहाँ रखा है। पहले क्या करते हैं, ढेर सारे कपड़े हैं सबका एयर बैग में से निकाल निकाल कर ले गए थे, किसको क्या पहनना ओढ़ना है। तो पूरा अलमारी देख सकते हैं कबाड़ों की तरह भरा हुआ है। अब जा रहे हैं इसके अंदर जितना सबका कपड़ा है निकालते हैं। मैं कहीं जाती हूँ, कहीं फंक्शन होता है आती हूँ, तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमको काम लगता है कपड़े को फोल्ड करना, अलग अलग करना। जो नए कपड़े वगैरह है उसको रखेंगे, प्रेस करके नहीं रखते हैं, इस्त्री करके नहीं रखते, क्योंकि फिर रख दो फिर उसके बाद वो हो जाता है, कपड़ा निकाल लो ना वड़ खाबड़ तो बेकार सा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए जब पहनना होता है, कहीं आना जाना होता है तो कपड़े को इस्त्री करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो चलिए भाई, क्योंकि तीज त्यौहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत सारे काम है जो घर को लेकर करना है, दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है और नींद इतनी मतलब कि पूरी ही नहीं हुई है, जैसे लग रहा है कितना सोए कितना सोए। और कल रात को हम लोग का 10:50 का मूवी का शो था, तो मूवी देखने गए थे, 2:30 बजे देखकर आए हैं और सुबह नींद ही नहीं खुला, केवल रिसेप्शन के लिए नींद खुला, उसको तैयार करके उसको टिफिन विफिन लेके भेज दिया था और फिर 11 बजे सोकर उठे। नींद ही पूरा नहीं हुआ है तो इसलिए सर भारी भारी लग रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो कपड़े फैला है वो काम करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। देख सकते हैं सब नए कपड़े हैं, ऐसा हो रहा है जैसे दिवाली का सफाई कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं। जब कहीं कुछ करो तो ऐसे ही पूरा बिखर जाता है। एक तो चार मेरा थोपड़ा मत दिखा, ये सब भी चीज दिखाए, चलो खड़ी जाओ आज दूर से शूट करो, पास से नहीं। लोगों को ये भी देखना है, बस खाली बोल रहे ये चीज देखेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि चार परिवार का कपड़ा इतना है और गेट तो भरा ही है, अलमीरा सोच रहे कौन सा निकाल कर फेंक दूं, मतलब कि रिजेक्ट कर दूं, समझ में नहीं आ रहा। सब अच्छे ही है, अरे कोई वो नहीं है, बस प्रेस कर दोगे तो ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगा, बस यही सब लग रहा है। बहुत थक गए, कब से लगे हैं, सबका कपड़ा भर भर के इसमें ठूसा था, एक एक कपड़ा छटैया कर रहे हैं कि किसका किया, किसका किसने रखना, किसका सबका ऐसे ठूस ऐसे ही बिना प्रेस के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हमारा ना एकदम शरीर एकदम थक गया, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो सोच रहे कहीं जाए ना, कपड़ा की बहुत दिक्कत होती, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सुना चाहिए एक थंबनेल निकाल लेना है, दूर से करवाना चाहिए। गया चलो, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुबह से मैं कपड़े ही फोल्ड कर रही हूँ, घड़ी में 2:45 होने वाला है, अभी तक हमारा कपड़ा नहीं हुआ है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था, ये सूट कहाँ से लिया था, ये हमने तुराब नगर से गाजियाबाद से लिया था, गाजियाबाद स्टेशन के पास एक तो रामनगर मार्केट है जो मैंने लिया था। और ये सूट है पिंक कलर का है, लेकिन आपको रेड दिख रहा है वीडियो में। और सोनाक्षी बर्थडे मैंने यही पहना था, काफ़ी लगभग हमने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिया है, सोनाक्षी का इसमें रखा और ये सब का इसमें, अभी सोनाक्षी पापा रखेंगे वहाँ, अलमीरा पर मैंने और रख दिया है। इतना कपड़े सोनाक्षी के बर्थडे मिला था तो इधर करके रख दिए हैं, क्योंकि बैग में नहीं आ रहा है हमारे डेली पहनने के लिए है। यहाँ सोनाक्षी पापा का वो भी अभी फोल्ड करके इसमें रखेंगे। और कपड़े हमने निकाल दिया है बांटने के लिए, और इधर इधर जो है वो भी देखते हैं कौन सा पहनने लायक है कौन सा नहीं। तो सब कुछ हम जैसा लग रहा है कहीं गाँव प्रदेश छोड़ कर हम जा रहे हैं,
बाप रे बाप। तो यहाँ पर बच्चे ट्यूशन से पढ़ के आ गए हैं और इन लोग का खाने का मन था पॉपकॉर्न। कल जब मैं मूवी देखने गई थी टोकरी भर के दे देते हैं, ये 600-700 का मिलता है। मैंने इस घर पे बनाया है 3 पैकेट का, मैंने प्राइस नहीं देखा। पति देव राशन मिलाए थे तो बच्चों को यहाँ पॉपकॉर्न। एक और पैकेट है पता नहीं, मैंने 3 पैकेट का बनाया ही है। तो चलो पॉपकॉर्न खा लो। कैसा है? अच्छा है गाइस, दे सकते हैं। यही मॉल में हम लोग को बहुत महंगा मिलता है, ज़्यादा 4 पैकेट का बनता होगा और डब्बे भर जाते हैं। और कब पॉप लिए थे 600 का केवल पॉपकॉर्न, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी नहीं था। चलो खा लेते फिर मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस आज हो गया है 24 तारीख और दिन है गुरुवार। ये हमारा ब्लॉग 2-3 दिन से बन रहा है, आज ये शायद लाइव हो जाएगा क्योंकि इतना सारे फंक्शन वगैरह फिर सोनाक्षी के बर्थडे को लेकर पूरा सुनो फिर जानते हैं कहीं आना जाना घर का एकदम तहस नहस हो गया। जैसे कि न टाइम से पूजा पाठ हो रहा है, न टाइम से खाना पीना हो पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है। अगर ऐसे कि यही 2-4 लोग होते तो मिलजुल कर फटाफट हो जाता, क्योंकि घर अगर फैला रहता है तो कहीं मन नहीं लगा रहता है। और अब ये नहीं कि पूरा एकदम फैला हुआ है, जैसे कि मेन होता है कपड़ों का, 4-5 दिन नहीं इतनी धूल मिट्टी हो जाते किचन के, साफ सफाई मैंने कैमरा में तो नहीं दिखाया, लेकिन वही है ना कि अरे काम कर लो या वीडियो बना लो। तो मैंने सोचा चलिए अपनी दिल की बात शेयर कर लूँगी। तो जैसा आपने देखा खूब ढेर सारा कपड़ा वगैरह मैंने रख दिया था, फिर सारे टाइम से खाना पीना नहीं बन पा रहा है, टाइम से पूजा पाठ हो रहा है। तो ये हमारा 3-4 दिन का ब्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ, आज हो सके लाइव हो जाएगा। तो कितने बज गए घड़ी में देख सकते हैं, यहाँ 2:15 बज रहे हैं और सोनाक्षी भी स्कूल से आ गई है, कपड़े इसका निकाल कर हमने रख दिया है, आकर नहा रही है और सब अड़ैची उड़ैची कपड़ा भर के मैंने यहाँ रख दिया है, अभी उसके ऊपर रखना है। उधर देख सकते हैं ऋषभ है और एक तरफ मैं खाना भी बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए सोयाबीन की सब्ज़ी, इसमें राइस आटा गूंथ के रखे हैं और इसमें रोटियाँ वगैरह जा रहे हैं बनाने रोटियाँ। और जो हमारा किचन का जैसे मसाले वसाला था, राशन आया था, उसको भी मैंने किचन में एकदम डब्बे में भर भर के सेट कर दिया है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। देख सकते हैं यहाँ पर एक गठरी कपड़ा निकाल के रख दिए हैं, इसको भी हम किसी को देने के लिए। और यहाँ पर अभी बोरी में और राशन भरा हुआ है जो मैंने में रखेंगे। समझ में नहीं आ रहा है काम कहाँ से करें कहाँ से ख़त्म करें, जो सामने में जल्दी नज़र दिख रहा है मैं वही कर ले रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, खाना पीना बना लेते हैं खा पी कर, फिर हम आप लोग से मिलते हैं कुछ टाइम बाद। गाइस देख सकते हैं मैं नहा, मतलब मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैं नहा भी ली हूँ। यहाँ पे मम्मी मेरे लिए गरम गरम खाना बना रही है। हाँ और फिर खाना खाओ, ऋषभ भी खाएगा। मैंने इसलिए सोयाबीन की सब्जी बनाया है कि ऋषभ भी खा लेता, और कोई सब्जी खाता ही नहीं है। इससे अच्छा दाल चावल बना देती हूँ, दाल चावल भी कहाँ खाता है वो। तो मैंने सोचा दोनों टाइम का मेरा सब्जी हो जाएगा और रात को पराठा या रोटी गरम गरम सेक देंगे, इसलिए देख सकते हैं इसी बीच में हमारे जूस वाले भैया भी आ गए हैं। चलो पी लो फिर उसके बाद खाना खाना। अब जानते पैसा बड़ा खर्चा हो गया इधर, अब बैंक से पैसा निकालेंगे फिर आपको देंगे। ये इसका बाकी रहेगा, कल का भी बाकी है। और क्या कल का कितना? 40 रूपए। हाँ और आज का हो गया 60, मतलब 100 रूपए हो गए। अब कल ही ले लेना क्योंकि अरे ना पैसा बहुत ज्यादा निकल गया एटीएम से ना, अब ले ही नहीं रहा है, 1 हफ्ता 15 दिन का टाइम मांग रहा है। तो क्या किया इतना निकाल के? अरे इतना जो शॉपिंग वॉपिंग, लड़की की बर्थडे था और किट्टो की जो रहती थी उसके लड़के का नाम करण, बहुत सारा फंक्शन वगैरह था। अच्छा तो पैसे बहुत ज्यादा निकल गया ना इसलिए। तो लाना रहेगा दोपहर में। हाँ लेकिन आज देखते हैं, अभी ट्यूशन का भी पैसा नहीं दिए, पैसा सब मांग रहे हैं। चलिए तो गाइस जैसे कि पति देव का हमारे केवल एटीएम और एटीएम तो हमारा भी उनका भी है, पैसा दोनों में से इतना निकल गया है कि पेटीएम काम ही नहीं कर रहा है, अनलिमिटेड हो गया है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और जितना पेटीएम में पैसा था तो सब हर जगह दे देकर हो गया है। और देखते हैं क्या होता है, कैसे काम चलता है। बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं, पैसा खर्चा जितना होता है उसका मतलब कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो खाना खाने से पहले जूस वाला आ गया था, सुबह आया था तो मैंने बोला बच्चे भी स्कूल गए, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब तो हम पियेंगे साथ में। तो यहाँ जूस वाला आ गया है और मैं उधर रोटी सेक रही थी, इसी बीच में जूस वाला आ गया, तो पी कर हम मिलते हैं।